गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम आपको 9th क्लास का चैप्टर 1 का आपको फोर्थ पार्ट हम लेकर के आए हैं और आशा करते हैं कि आप इसको बड़े अच्छे से समझेंगे, क्योंकि इसमें हमने आपको बताया भी था कि क्या होता है कि जब वो पूरी तरह से मतलब वो ये कहना चाहते हैं कि मार्जी बड़ी निराश थी उस समय, उसकी वे आशा भी कर रही थी कि वे कंप्यूटर को पूरी तरह से ले जाएंगे एक बार वे टॉमी के कंप्यूटर को लगभग एक महीने के लिए ले गए थे, क्योंकि उसका इतिहास वाला भाग पूरी तरह से रिक्त हो गया था। तो अतः उसने टॉमी से कहा कि कोई व्यक्ति स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा। तो वो कहना चाह रहे हैं कि कोई क्यों लिखेगा स्कूल के बारे में। फिर उसने कहा, क्या कहा आगे देखते हैं। तो सबसे पहले हम जो देखेंगे इसके वर्ड मीनिंग है और इसके बाद ये हमारा यहाँ से स्टार्ट है। तो उसने कहा टॉमी टॉमी looked at her with very superior eyes because it is not our kind. उसने कहा of school stupid. This is the old kind of school that they had hundreds and hundreds of years ago. He added loftily for pronouncing the word carefully for centuries ago. So Margie was hurt. Well, I do not know what kind of school they had all that time ago. She read the book over. His soldier, the soldier asked for a while, then said, anyway, they had a teacher. Sure, they had a teacher, but it was not a regular teacher. It was a man. A man? How could a man be a teacher? He said, well, he just told the boys and girls all things and gave them homework and asked them questions. तो उन्होंने कहा, चलिए आइए हम पहले देखते हैं इसके कुछ क्वेश्चन, यानी कि जो वर्ड मीनिंग है उनको हम पहले देख लेते हैं, क्योंकि इनका होना अनिवार्य है। पहला वर्ड देखेंगे हम लोग, जैसे सुपीरियर, इसका मीन्स होता है ग्रेट इन अ पावर, यानी कि अधिक इच्छा, इसमें एक अधिक इच्छा होती है, ग्रेट पावर इन सुपीरियर। और लॉफ्टी का मीनिंग क्या होता है हमारा, इसका मीनिंग होता है इन सुपीरियर वे, मतलब इन बोलते हैं रोबिले ढंग से या अभिमान पूर्वक। अब प्रोनाउंसिंग में तो मीन्स होता है हमारा प्रोनाउंसिंग मीन्स होता है मेकिंग अ साउंड, यानी कि बोलते हुए, जो हम साउंड को बोलते हैं तो वो मेकिंग अ साउंड, तो उसकी वो बात कर रहा है, उसे बोलते हैं प्रोनाउंसिंग। उसने कहा सेंचुरीज, सेंचुरीज का मतलब होता है हमारा मैनी हंड्रेड्स ईयर, शताब्दी हो इसे बोलते हैं, मैनी हंड्रेड्स ईयर्स, यानी कि जो हो जाती हैं मैनी मतलब हजारों, मतलब एक हंड्रेड का मतलब सौ हो जाते हैं, तो एक सौ को हम लोग क्या कहते हैं, शताब्दी बोल देते हैं उसको। आगे कहा एनी वे, एनी वे का मीन्स होता है हमारा इवन देन, इवन देन का मतलब तब भी, इसे हम लोग बोलते हैं तब भी। तो उसमें वो क्या कहते हैं देखिएगा, तो उसने कहा टॉमी लुक्ड एट हर विद मिस होता साथ में वेरी सुपीरियर आइज, तो टॉमी जो था उसको देख रहा था उन सुपीरियर आइज, सुपीरियर का मतलब होता है अधिक इच्छा से, मतलब उसकी जो इच्छा हो रही थी वो बड़ी हो रही थी, वो देखना चाह रहा था। उसने क्या कहा फिर आगे देखेंगे, बिकॉज क्योंकि इट वॉज नॉट अवर काइंड ऑफ स्कूल, उसने कहा इस प्रकार के हमारे स्कूल नहीं थे, जिस प्रकार के अब स्कूल हैं तो इस प्रकार के स्कूल नहीं थे। उसने कहा स्टूपिड, स्टूपिड का मीन्स होता है हमारा जिसे हम लोग कहते हैं मूर्ख, तो क्योंकि वह कहना चाहता है कि क्योंकि वह स्कूल हमारे स्कूल की तरह नहीं थे, और उसने कहा मूर्ख
दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ द स्कूल, वे पुराने स्कूलों की तरह थे, जैसे पुराने स्कूल होते हैं, दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो, तो उसने कहा जिसमें बच्चे हजारों वर्ष पूर्व पढ़ते थे, में जो बच्चे थे वो हजारों वर्ष पूर्व पढ़ते थे, तो ये हंड्रेड एंड हंड्रेड्स की बात कर रहा, तो ही एडिड एडिड लॉफ्टली और प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, तो उसमें जो भी वो शताब्दियों की बात कर रहा है वो उसमें सावधानी पूर्वक जो भी उच्चारण करते हुए उसने यह बात उसका तरीके से कही, उसने कहा ही एडिड, एडिड का मतलब था उसने जोड़ा, और लॉफ्टली का मीन्स होता है जो रोबिले ढंग से या अभिमान पूर्वक, तो उसने प्रोनाउंसिंग उन शब्दों को, द वर्ड मतलब होता है शब्दों को, प्रोनाउंसिंग का मतलब था उच्चारण किया, केयरफुली का मतलब था ध्यान पूर्वक, उसने सेंचुरीज एगो, सेंचुरीज का मतलब शताब्दी, शताब्दियों से पहले, तो उसने कहा कि शताब्दियों से पूर्व शब्द का सावधानी पूर्वक उच्चारण करते हुए उसने यह बात बड़े अच्छे तरीके से कही, तो मार्जी वाज हर्ट, मार्जी को दुख हुआ, मार्जी को दुख हुआ, मार्जी बड़ी दुखी थी, वेल अच्छा इस बात से कि आई डू नॉट नो, कि मैं नहीं, उसने कहा मार्जी को बड़ा दुख आता, उसने कहा मैं नहीं जानती कि, जब मार्जी को इस बात का दुख हो रहा था कि मैं नहीं जानती कि व्हाट काइंड ऑफ स्कूल, के किस प्रकार के स्कूल हैं, दे हैड ऑल दैट टाइम एगो, एगो का मतलब पहले, कि वे जो उस समय के स्कूल थे मैं नहीं जानती, मुझे नहीं पता ये अब इस समय के कैसे स्कूल हैं, उस समय कैसे थे, तो उसने कहा सी रीड द बुक, उसने किताब को पढ़ा, ओवर हिज सोल्जर्स फॉर अ वाइल देन सैड एनी वे दे हैड अ टीचर, तो उसने कहा जब उसने किताब को पढ़ लिया पूरा ख़त्म कर लिया, वो भी कैसे हैं इस सोल्जर्स, मतलब उसके कंधे के ऊपर की वो बात कर रहे हैं, तो उसमें जबकि देन सैड, और उसने कहा एनी वे किसी भी तरह से दे हैड अ टीचर, कि वो एक अध्यापक हैं, चाहे वो किसी भी तरह से हों, वो क्या हैं, वो अध्यापक हैं, मतलब उसी के ऊपर बात कर रही है, जो स्कूल में वो पढ़ाते हैं किसी भी प्रकार के हों तो वो स्कूल में पढ़ाते हैं, तो उसने कहा श्योर, निश्चित है दे हैड अ टीचर, कि वे एक अध्यापक ही थे, ये निश्चित है कि वे भी क्या थे, एक अध्यापक ही थे, उसने कुछ भी हो कि वे एक शिक्षक से पढ़ते थे, वो पहला ही कहना चाहती है, तो निश्चित था कि वो एक अध्यापक थे और वो एक अध्यापक से ही पढ़ते थे, बट लेकिन इट वॉज नॉट अ रेगुलर टीचर, लेकिन वो क्या थे, एक रेगुलर टीचर नहीं थे, तो इट वॉज ए मैन, वे एक व्यक्ति भी थे, इट वॉज अ मैन, वे एक आदमी भी थे, तो ए मैन एक आदमी, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर, उसने कहा कि एक व्यक्ति एक अध्यापक कैसे बन सकता है, किस प्रकार वो बन सकता है, तो वो ये कहना चाहती है कि निश्चित रूप से उनका एक शिक्षक होता होगा, पर वह हमारे कंप्यूटर जैसा सामान्य शिक्षक नहीं हो सकता, तो उसने ये भी कहा कि वेल अच्छा ही जस्ट टोल्ड द बॉयज़, जैसे उन्होंने उन बॉयज़ को बताया एंड गर्ल्स लड़कियों को बताया थिंग्स वस्तुओं के बारे में, एंड गेव दैम उनको दिया करते थे होमवर्क एंड आस्क दैम क्वेश्चन, और उनसे वो प्रश्न भी पूछा करते थे, तो उसने कहा कि हाँ वह लड़कों और लड़कियों को शिक्षा देता देता था, जो अध्यापक था जो अध्यापक थे वो लड़के और लड़कों को शिक्षा देते थे, तो उसने कहा वो भी कैसे, वो दोनों को शिक्षा दिया करते थे और उन्हें होमवर्क भी दिया करते थे, एंड आस्क दैम क्वेश्चन और उनसे वो क्वेश्चन भी किया करते थे, जैसे कि यहाँ पर लिखा है दे हैड अ टीचर, वो एक अध्यापक भी थे, इट वॉज अ मैन, वो एक व्यक्ति भी थे, तो अब नीचे की ओर देखते हैं अगला, उसने कहा क्या कहते हैं, यहाँ देखेंगे ए मैन इज नॉट ए स्मार्ट एनफ, कि जो एक एक व्यक्ति जो होता है, जो एक मनुष्य होता है, उसकी जो बुद्धि होती है वो पर्याप्त तेज नहीं होती, ने कहा कि ए मैन एक आदमी जो है इज नॉट ए स्मार्ट एनफ, काफ़ी अधिक तेज नहीं हो सकता, तो स्मार्ट की वो बात करें, स्मार्ट का मतलब होता है ये तेज होना, जैसे एक मनुष्य की बुद्धि पर्याप्त तेज नहीं होती है, तो उसने कहा श्योर, निश्चित है कि ही इज, सही है ऐसा ही होगा, वह निश्चित रूप से ही पर्याप्त तेज बुद्धि वाला ही होगा, ये कोई ज़रूरी नहीं यार, हो भी सकता कि वो तेज बुद्धि वाला भी हो, और उसने कहा माई फादर नॉज, मेरे पिता जानते हैं,
एज मच एज माई टीचर, कि मेरे जो पिता हैं उतना ही जानते हैं जितना मेरा शिक्षक जानता है। तो उसको बात को कहना चाहते हैं। तो उसने फिर आगे कहा, तो ही नो, वो जानते हैं ऑलमोस्ट एज मच आई बैठ शा। बैठ शा का मीन्स हमारा होता है हमारा कि मुझे विश्वास है। वो कहना चाहता है कि वो मुझे विश्वास है। तो उसने कहा मार्जी वाज नॉट प्रिपेरिड। यहाँ पे पहले देखेंगे ही नो, वो जानता ऑलमोस्ट अक्सर कि मैं भी ये जानता हूँ कि वो, मैंने आपको यह मीनिंग बताया था पैसा का, मुझे विश्वास है कि मुझे ऐसा विश्वास है। कैसे? इसने बताया था बेचा कम तो होता विश्वास है कि मुझे अधिक विश्वास है कि मैं जानता हूँ। आगे क्या कहा उसने, देखिए एज मच एज, उसने कहा ऑलमोस्ट मतलब अक्सर या अधिकतर, एज मच तो और भी ज़्यादा अधिक, मैं उसको जानता हूँ, मुझे ऐसा विश्वास है। तो मार्जी वॉज नॉट प्रिपेयर्ड, जो मार्जी थी वो तैयार नहीं थी। वॉज नॉट प्रिपेयर्ड, प्रिपेयर्ड का मतलब था तैयार होना। अब डिस्प्यूट, यहाँ डिस्प्यूट का मीनिंग होता हमारा असहमत होना। वो असहमत होने के लिए तैयार नहीं थी। उसने कहा दैट, उसको तो सी सैड, जो उसने कहा आई वुड नॉट वॉन्ट अ स्ट्रेंज मैन, कि मैं किसी अजनबी व्यक्ति से जो मिलना नहीं चाहती या पढ़ना नहीं चाहती। वो कहना चाह रही थी कि आई वुड नॉट वॉन्ट अ स्ट्रेंज मैन, कि मैं एक विचित्र आदमी से नहीं चाहती मिलना। उसने कहा इन माई हाउस, या बुलाना इन माई हाउस, मैं अपने घर में उसको नहीं बुलाना चाहती। टू टीच मी, और वो मुझे पढ़ाए, कि कोई एक अजनबी आदमी मेरे घर में आए और मुझे पढ़ाए, मैं ये सब नहीं चाहती, मैं मुझे इन सब में विश्वास नहीं है और मैं इनसे असहमत हूँ, मैं इनसे सहमत नहीं हूँ। उसने कहा टॉमी, अब स्क्रीम्ड, देखिए स्क्रीम्ड का मीनिंग होता है चीख मारी। तो टॉमी जो मतलब चीख मारने का मतलब होता है लाफ्टर, मतलब हंसना। तो टॉमी बहुत जोर जोर से हंसा। तो उसने कहा कि भाई ऐसे कैसे हो जाएगा कि यू डू नॉट नो, कि तुम मच मार्जी, उसने कहा कि मार्जी तुम अभी अधिक नहीं जानती हो, तुम्हें अभी नहीं पता। द टीचर डिड नॉट लिव इन द हाउस, कि जो अध्यापक उस घर में जो रहते हैं। उसने कहा द टीचर डिड नॉट लिव इन द हाउस, कि टीचरों का एक घर नहीं होता है जिसमें वो रहते हैं। तो दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग, उनकी एक विशेष प्रकार की बिल्डिंग होती है। एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, वो वहाँ पर सब बच्चे जाते हैं, तो वहाँ पढ़ने सब बच्चे जाते हैं। ऐसा नहीं है जैसे आप कह रहे हो कि वो मेरे घर में मुझे पढ़ाने के लिए आएगा, वो ऐसा नहीं होता कि उनका एक अपना एक वो कहने के घर नहीं होता इस तरह का कि उसके वहाँ जाते हैं। तो उसने कहा कि उनके एक स्पेशल बिल्डिंग होती है जिसमें वो सभी बच्चे, किड्स का मतलब होता है बच्चे, वो सभी बच्चे वहाँ पढ़ने के लिए जाते हैं। एंड ऑल द किड्स लर्न इट द सेम थिंग्स, वो सभी बच्चे एक प्रकार सीखते हैं, जिस प्रकार उन्हें पढ़ाया जाता है तो वो उसी प्रकार एक टॉपिक को ही वो सीखते हैं। जैसे कि देखा होगा क्लास में जब एक टॉपिक पढ़ाया जाता है तो उसी प्रकार सभी बच्चे एक साथ सीखते हैं। उसने कहा श्योर, निश्चित है, इफ दे वर द सेम एज, और लगभग वो बिल्कुल सेम एज के होते हैं, मतलब उसमें अलग अलग नहीं होते हैं। तो इसने फिर आगे कहा, अगला देखेंगे इसमें अब हम। उसने कहा बट, लेकिन देखिए इसने कहा बट लेकिन माई मदर, लेकिन मेरी माता सेज आ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल, इट टीचिज एंड दैट ईच किड हैड टू बी टॉट डिफरेंटली, जस्ट द सेम दे डिड नॉट इट दैट वे देन। देखा इफ यू डू नॉट लाइक इट, यू डू नॉट हैव टू रीड द बुक। आई डिड नॉट से आई डिड नॉट लाइक इट, मार्जी सेड क्विकली, दस सी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, दे वर नॉट इवन हाफ द फिनिश एंड मार्जीज मदर कॉल द मार्जी स्कूल। उसने कहा मार्जी लुकड अप, नॉट येट ममा, नाउ सेड मिसिज जॉन्स, एंड इट इज प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, मार्जी सेड टू टॉमी कैन आई रीड दैट बुक सम,
मोर विद यू आफ्टर स्कूल। देखिए एडजस्टिंग अमिस होता है हमारा अरेंज करना, मतलब ठीक किया गया, व्यवस्था की गई, एडजस्ट किया गया, तो उसे हम अरेंज भी बोलते हैं और एडजस्ट भी बोलते हैं, जैसे कि एडजस्ट किया जाए एडजस्ट। और डिफरेंटली मीनिंग होता है हमारा इन डिफरेंटली मैनर, यानी कि अलग प्रकार से, या प्रोबेबली का मीन्स होता है हमारा परहैप्स, यानी कि संभवता। तो देखिए अब ऊपर की ओर, उसने कहा माई मदर सेज, लेकिन मेरी माता जो कहती है कि जो टीचर है, एक अध्यापक हैज़ टू बी एडजस्ट, वो हमेशा अपने आप ही एडजस्ट करते हैं टू फिट, और उसको फिट भी करते हैं द माइंड ऑफ ईच बॉय, चाहे वो प्रत्येक लड़का हो लड़की हो, उनके माइंड को अपने आप ही सेटअप करते हैं वो, क्योंकि तो वो उन्हें पता होता कि बच्चों को कैसे पढ़ाना, उस बच्चे के मस्तिष्क में उसको कैसे डालना है, मतलब उसको कैसे पढ़ाना और किस तरह से उसकी समझ में आएगा, तो टीचर बड़े अच्छे से एडजस्ट करना जानते हैं। तो उसी प्रकार वो कहा आगे, और इट टीचर्स ने उन्हें पढ़ाते भी हैं दैट कि कैसे उनको पढ़ाना, किस तरह से पढ़ाना, वो टीचर अच्छी तरह से जानते हैं। ईच किड्स, जो प्रत्येक बच्चा होता हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली, वो एक जो बच्चा होता है वो अलग अलग तरह से वो सारी चीज़ें सीखता है, क्योंकि हर कोई बच्चे का मस्तिष्क एक जैसा नहीं होता है, इसके लिए वो क्या करते हैं, वो सीखना पड़ता है, इस प्रकार वो उन्हें सिखाना पड़ता है, और उसी प्रकार से अलग अलग तरह से वो बच्चे सीखते हैं। तो उसने कहा जस्ट द सेम, बिल्कुल जस्ट उसी के तरह वो बात करा, जब भी द सेम मतलब ऐसा का ऐसा ही, दे डिड नॉट टू डू इट, लेकिन वो ऐसा नहीं करते हैं दैट द वे देन, तब वे उसी तरह से, इफ यू डू नॉट लाइक इट, वो तुम उसको, यदि तुम उसको पसंद नहीं करते तो यू डू नॉट हैव टू रीड, तो तुम उसको नहीं पढ़ोगे। वो कहना चाह रहा है यदि तुम किसी भी सब्जेक्ट की बात कर लो या जिसमें तुम्हें इंटरेस्ट हो, यदि तुम उसे पसंद करते होंगे तो तुम उसको जरूर पढ़ेंगे। अब उसने कहा पर जब तुम उसे पसंद ही नहीं करते तो तुम उसको नहीं पढ़ पाओगे, तो यही कहना चाह रहा है यू डू नॉट हैव टू रीड, तुम उसको नहीं पढ़ सकते द बुक, उस किताब को, जो किताब तुम्हें पसंद ही नहीं है तो तुम उस किताब को पढ़ नहीं सकते। उसने कहा आई डिड नॉट से, कि मैं ये नहीं कह सका कि आई डिड नॉट लाइक इट, कि मैं उसको पसंद नहीं करता। तो मार्जी सैड, मार्जी ने कहा क्विकली, बड़ी जल्दी से कहा, तो उसने कहा सी वॉन्टेड टू रीड, मैं पढ़ना चाहती हूँ अबाउट दोस फनी स्कूल, मैं उन फनी स्कूलों के विषय में मैं पढ़ना चाहती हूँ, दे वर नॉट इवन हाफ फिनिश, कि जो मैंने अभी तक अपना आधा काम जो फिनिश किया है। व्हेन मार्जीज मदर कॉल्ड, तो मार्जी की माता ने बुलाया, तो मार्जी स्कूल, कि मार्जी स्कूल, मार्जी लुक द, मार्जी ने देखा ऊपर की ओर, तो नॉट येट मामा, नहीं मामा अभी तक नहीं। तो उसने कहा नाउ, अब सैड मिसिज जॉन, तो मिसिज जॉन ने कहा कि एंड इट इज प्रोबेबली, प्रोबेबली का मीनिंग होता है संभावता, कि संभावता हो सकता है टाइम फॉर टाइम टोमी टू, अब हो सकता है जो तुम्हारा टाइमिंग आ गया हो, तो उसकी बात कर रही है कि मुझे तो वैसे लगता है कि तुम्हारा जो स्कूल का समय है वो आ गया फॉर टोमी, जो टोमी के लिए, एंड टू भी। मार्जी सैड टू टोमी, मार्जी ने टोमी से कहा कैन आई रीड द बुक सम, उसने कहा सम मोर विद मी साथ में यू आफ्टर स्कूल। तो उसने क्या कहा कि वास्तव में क्या कहते हैं उसमें, उसने कहा हाँ, तो देखेंगे उसमें कहा दे वेर नॉट इवन हाफ फिनिश, तो उसने अभी आधा अपना कार्य है वो समाप्त नहीं किया था, तभी मार्जी के माता ने उसको बुलाया कि मार्जी तुम्हारा जो स्कूल है स्कूल का टाइमिंग हो गया है, माँ वो कहना चाहते हैं। तो मार्जी लुक डाउन, मार्जी ने ऊपर की ओर देखा, उसने कहा मम्मा अभी नहीं हुआ है टाइमिंग, तो उसने कहा नाउ अब, लेकिन सैड मिसिज जॉन, तो मिसिज जॉन भी बोलती है कि एंड इट इज प्रोबेबली, ये तो संभवतः हो सकता है कि टाइम हो गया है तुम्हारा फॉर टॉमी, टॉमी का भी, वो कह रहे हैं कि टॉमी का भी टाइम हो गया, तुम्हारा भी हो गया। तो मार्जी सैड टू टॉमी, मार्जी ने टॉमी से कहा कि कैन आई रीड द बुक, क्या मैं इस किताब को पढ़ सकती हूँ, सम मोर और भी ज्यादा अधिक। उसने कहा विद यू आफ्टर स्कूल, यानी स्कूल के बाद में क्या मैं किताब और भी पढ़ सकती हूँ, तो उसने ये वाली बात कही। तो इसके बाद मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ आ गया होगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो।